To like, share, and subscribe. Hello, students. Today we are going to discuss continuity. Continuity at a point. A real function is continuous at a fixed point if we can draw the graph of the function around that point without lifting the pen from the plane of paper in case one is to lift his pen at a point the graph of the function is said to be discontinuous at that point different types of situations which can come up at a point x equal to a situation 1 this is graph of any function दिस इज इनिशियल पॉइंट और दिस इज एंड पॉइंट एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। इसके दोनों अपन अगर देखते हैं तो क्या हो रहा है देखो अगर इसको अपन ऐसे मूव करें तो क्या हो रहा है हमें लेजर को उठाना नहीं पड़ रहा है या जो अपना पेन है उसको उठा नहीं रहे इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है अब नाउ सेकंड सिचुएशन एट एक्स इक्वल टू है एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है क्योंकि हमको यहां पे पेन को उठाना पड़ेगा इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्सिक्वल टू सिचुएशन थ्री एट एक्सिक्यूटिव है देखो फंक्शन ब्रेक हो रहा है एट एक्सिक्यूटिव पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है मींस एट एक्सिक्यूटिव है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस सिचुएशन फोर एट एक्स इक्वल टू ए पर वैल्यू कितनी दे रखी है ये वाली हियर दिस वैल्यू इज गिवन मतलब आपको नीचे आना है और फिर आप इसे ऊपर जाना और फिर कंटिन्यू करना है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए नाउ सिचुएशन फाइव एट एक्स इक्व टू है इस बार अपन ऊपर जाएंगे पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे एट एक्सिक्यूट है वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज दिस सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए सिचुएशन सिक्स एट इक्वल टू है यानी इंफेनेट पे जाके क्या होंगे करो टच करेंगे यानी दिस कर डिसकंटिन्यूअस एट इक्वल टू ए मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेफिनेशन वन अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस at a point x equal to a where a belong to domain of f x if limit x tends to a f x is equal to value of function at x equal to a that is left hand limit equal to right hand limit and both equal to value of f x at x equal to a now formula for left hand limit लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज सिंबल ऑफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स चेंज टू ए माइनस एफ एक्स दिस इज सिंबल एंड इज़ लिमिट ए चेंज टू जीरो एफ ए माइनस एच यानी ए के लेफ्ट में अपन को फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है सिमिलरली राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंज टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट ए स्टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच यानी इस बार क्या करना है एक के राइट साइड में फंक्शन की अपन को हाइट निकालनी है ये वैल्यू निकालनी है इफ बोथ आर इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट डेफिनेशन टू अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट्स कंटिन्यूअस सॉरी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटीन्यूअस इफ इट इज continuous at every point in the domain of f that is if f is discontinuous at a single point in the sorry if f is discontinuous at a single point then f is discontinuous function for example signum function you all know about signum function x is greater than 0 then value of f x is 1 when x equal to 0 value of signum function is 0

यहां से लेकर यहां तक फंक्शन कंटिन्यूस है और यहां से लेकर यहां तक भी फंक्शन कंटिन्यूस है ओनली ब्रेक कहां हो रहा है जीरो पे तो ये फंक्शन जीरो पे ब्रेक हो रहा है इट मीन्स ओवरऑल दिस फंक्शन इज डिस मीन्स सिग्नम फंक्शन इज डिस एट एक्स इक्वल टू जीरो रिमार्क्स सपोज एफ इज ए फंक्शन डिफाइन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए कोमा बी क्लोज इंटरवल मीन्स बिग ब्रैकेट Then for F to be continuous, it needs to be continuous at every point in A, B including the endpoints A and B. Continuity of F at a point A means F A equal to left hand, sorry, continuity of F at A means F A equal to right hand limit. Means in this case need not check left hand limit. नाउ डिस्कस with the हेल्प ऑफ diagram दिस इज ग्राफ ऑफ कर फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी अब मान लो इसको यहाँ पे अपन को चेक करना कंटिन्यूस तो यहाँ पे कंटिन्यूस है एवरी पॉइंट लेकिन एंड पॉइंट्स पे कैसे चेक करेंगे A. अब एक के लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट ही नहीं है तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे एफ ए पे वैल्यू निकालेंगे और उसके राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड लिमिट अपन निकालेंगे अगर एफ एक्वल टू राइट हैंड लिमिट इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस मीन्स ड नॉट चेक लेफ्ट हैंड लिमिट सिमिलरली कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट बी मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी मीन्स ड नॉट चेक राइट हैंड लिमिट अब इट एंड पॉइंट्स दिस बी अब बी पे चेक करना है तो बी के राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालेंगे बी पे निकालेंगे ये बोथ आर इक्वल

कंटिन्यूटी ऑफ सम स्टैंडर्ड करवल टू x means आइडेंटिटी फंक्शन दिस is ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन अब नॉट एक एनी पर्टिकुलर पॉइंट फॉर एग्जाम्पल टू अब टू के अपन यहां पे देखते हैं जो कर रहे कहीं ब्रेक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट टू सिमिलियर दिस इज कंटिन्यूस एट फोर कंटिन्यूस एट माइनस टू इट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वी कैन से स्क्वायर फंक्शन और वी कैन ऑल्सो से पोलिनोमल फंक्शन नो ग्राफ ऑफ दिस अब नाउ अगेन टेक एनी पॉइंट फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू वन यहां पर देखो आप कर गए ब्रेक हो रहा है क्या नहीं तो एट एक्स इक्वल टू वन इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू इट इज कंटिन्यूअस means graph of square function is everywhere continuous. F x equal to x cube means q function again this is polynomial function. Now check at x equal to 1, x equal to 2, x equal to minus 1. This curve is everywhere continuous. Means q function is everywhere continuous. So, conclusion is any polynomial function is everywhere continuous. fx equal to mod x modulus function. We all know graph of modulus function. Again see this function also everywhere continuous. You can take any point anywhere. At 5 function is continuous. At 10 function is continuous. At x equal to 1 function is continuous. So, fx equal to mod x is everywhere continuous.

नाउ टिग्नोमेटिक फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एवरी नो ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन साइन जीरो जीरो साइन नाइंटी वन साइन वन एटी जीरो साइन टू सेवेंटी माइनस वन साइन वन एटी जीरो साइन थ्री सिक्सटी जीरो इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन डेट कर उसके दोनों तरफ फंक्शन क्या दिख रहा है कंटिन्यूस दिख रहा है मे साइन फंक्शन इज everywhere continuous for every x belong to r f x equal to cos x see the graph of cos function again cos function is everywhere continuous so cosine function is everywhere continuous that is for every x belong to r f x equal to 10 x here zero, pi, two pi. Here minus five by two. That point is minus three pi by two. This point is minus pi by two this is pi by 2 this is 3 pi by 2 and this is 5 pi by 2 and now you can see from minus pi by 2 to plus pi by 2 टेन एक्स इज कंटिन्यूअस जस्ट सी माइनस फाइव बाय टू टू प्लस फाइव बाय टू दिस इज माइनस फाइव बाय टू एंड दिस इज प्लस फाइव बाय टू फंक्शन इज कंटीन्यूअस फ्रॉम पाई बाय टू टू थ्री फाइव बाय टू अल्सो फंक्शन कंटिन्यूअस बट इट डेट पर्टिकुलर पॉइंट फाइव बाय टू टेन एक्स इज डिसकंटीन्यूअस करो इधर है और डेट पॉइंट करो इधर है इट मीन्स टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर माइनस ओड मल्टीपल ऑफ नाइन्टी डिग्री यानी नाइन्टी जो ओड मल्टीपल उनको छोड़ने पर क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नो एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स दिस इज माइनस थ्री पाए दिस इज माइनस फाइव पाए बाय टू माइनस टू पाए माइनस थ्री पाया बाय टू माइनस पाए बाय टू प्लस पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू अब नोट अगेन सी इन द इंटरवल जीरो टू पाई, ग्राफ ऑफ कोट एक्स इज कंटिन्यूस पाई पे ब्रेक हो रहा देखो फिर से गन यहाँ पे और यहाँ पे और पाई के केधर पाई टू टू पाए अगेन कंटिन्यूस माइनस पाई टू जीरो कंटिन्यूस इट मीन्स कोट इंजन फंक्शन इज कंटीन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर माइनस एन पाई where n belong to z means set of real number minus multiple of 180 degree fx equal to sec x this is minus pi this is minus pi by 2 this point and this point is plus pi by 2 so in the interval minus pi by 2 to plus pi by 2 sec x is continuous पाए बाय टू टू थ्री पाए बाय टू सेक फंक्शन इज कंटिन्युअस सो कंक्लूजन इज सेकेंड फंक्शन इज कंटिन्युअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर माइनस वोड मल्टीपल ऑफ नाइंटी डिग्री एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स दिस इज ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स इन द इंटरवेल माइनस पाए टू जीरो कोसेक एक्स इज कंटिन्युअस जीरो टू पाए कॉसेक्स इज कंटिन्युअस बट इट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस जीरो पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है माइनस पाई पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है माइनस टू पाई पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है टू पाई पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है इट मीन्स कोसेकेंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस सॉरी कोसेकेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर माइनस एन पाए एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स we all know log x is defined for every x belong to 0 to infinity for positive numbers see the graph of this log function so in the interval 0 to infinity log x is continuous so logarithmic function is continuous for every x belong to 0 to infinity greatest integer function this is symbol of greatest integer function and this is graph of greatest integer function इन द इंटरवेल वन टू टू एफ एक्स इज़ कंटीन्यूअस टू टू थ्री फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट एट पर्टिकुलर पॉइंट टू डिसकंटीन्यूअस टू पे वैल्यू क्या आ रही है टू के लेफ्ट में तो वैल्यू आ रही है आपकी वन और राइट right में कितनी आ रही है टू थ्री के लेफ्ट में वैल्यू कितनी है टू और थ्री के राइट right में वैल्यू कितनी है थ्री है मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स और वी कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर माइनस सेट ऑफ इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगेन सी ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जीरो टू वन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और ब्रेक कहा हो रहा है वन पे ब्रेक हो रहा है देन वन टू टू कंटिन्यूअस और टू पे फिर से ब्रेक हो रहा है इट मीन्स fractional part function is continuous for every x belong to set of real number minus integer that is it is discontinuous at all integral points algebra of continuous functions theorem 1 suppose f and g be two real functions continuous at a real number a then sum of two continuous function is also continuous मीस एफ प्लस जी इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए सिमिलरली एफ माइनस जी इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए एफ इंटू जी इज कंटीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एफ अपॉन जी मीन्स क्वेश्चन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए प्रोवाइडेड जी ए नॉट इक्वल टू जीरो algebra of continuous function theorem 2 suppose f and g be two real valued functions such that function f o g is defined at a if g is continuous at a and f is continuous at g a then f o g is continuous at a sorry this is a some standard limits एक्चुअली ये जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी इसमें पूरा मतलब लिमिट की प्रैक्टिस है अपनी जो इलेवेंथ क्लास में लिमिट पढ़ी है अगर आपने एलवेंथ में अच्छे से लिमिट नहीं पढ़ी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो अभी सारे फॉर्मूले एक बार आप घर पर देखेंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट लिमिट एक्स चेंज टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन सबसे पहला फार्मूला आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड लिमिट्स लिमिट लिमिट एक्सचेंज टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स दोनों जगह सेम वैल्यू होनी चाहिए एक्स और एक्स तब वैल्यू कितनी होगी वन इफ़ ये टू एक्स देन ही टू एक्स इज रिक्वायर्ड एंड अपोजिट ऑल्सो वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू वन लिमिट एक्स टेंज टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन लिमिट एक्स टेंज टू जीरो एक्स अपॉन टेन एक्स इक्वल टू वन अभी टू न्यू लिमिट से जो मन पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है लिमिट एक्स टेंज टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन लिमिट एक्स चेंज टू जीरो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन और हम इजीली इनको याद रख सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू वन है लिमिट एक्स चेंज टू जीरो ए टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन लिमिट एक्स चेंज टू जीरो लोग वन प्लस एक्स बेसी अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन नाइन्थ लिमिट एक्स चेंज टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लोग बेसी टेंथ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन माइनस वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स इक्वल टू वन लिमिट एक्सटेंस टू जीरो वन प्लस एक्स रेस्ट टू दी पावर वन अपॉन एक्स इक्वल टू ई लिमिट एक्सटेंस टू इनफिनिटी वन प्लस वन अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर एक्स इक्वल टू ई लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनीटी इ टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो और ये जो लास्ट वन है दिस इज स्पेशल फार्मूला प्लीज सी केयरफुली लिमिट एक्स टेंस टू ए वन प्लस एफ एक्स होल रेस्ट टू द पावर जी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इन टू जी एक्स इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू जीरो वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो के इक्वल होनी चाहिए लिमिट रखने पर और यदि जो पावर वाली वैल्यू है क्या होनी चाहिए इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी Then we can write e raised to power limit x tends to a f x into g x. In next video, we will take more question based on continuity. Thank you. Have a nice day.